हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूँ आरती गुप्ता और आज मैं आपको कान्हा जी के लिए माला, कंगन और टियारा और एक बांसुरी बनानी सिखाऊंगी इन सुंदर सुंदर पेपर फ्लावर से और मोतियों से। ये मोती आपको 10 रुपीज़ में मिल जाते हैं क्राफ्ट शॉप से, देखिए ये। और इसमें से हाफ मोती हमारे यूज़ होंगे। ये एक बंच आपको 10 रुपीज़ में मिल जाता है। और इस तरह के आपको नीडल और थ्रेड चाहिए तो आपके घर पे बहुत ही आसानी से आप ये सब चीज़ें रेडी कर सकते हैं। अब आपने एक जो ये थ्रेड है मैंने इसे डबल करके डाला है और एक साइड पे मैं 18 मोती पिरो रही हूँ। आप इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से। तो देखिए 10 मोती भी इनफ रहेंगे अगर आपके लड्डू गोपाल जी 2 या 3 नंबर के हैं। और ये आप किसी भी मूर्ति जो भी अपने मंदिर में हो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं तो आप माता रानी के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 18 मैंने यहाँ पर पिरो दिए हैं और दूसरा धागा लिया है मैंने सेम, और इसमें भी मैं 18 मोती पिरो दूँगी। और इस तरह से मैं इन मोतियों से बहुत अच्छा सा एक मुकुट टियारा जैसा हम बनाते हैं, और कंगन और बांसुरी ये मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों इक्वल मोती पिरो लेने। आप चाहें तो एक लंबी माला भी बना सकते हैं, पर यहाँ मैंने एक डिज़ाइन सोचा था उससे डिफरेंट डिज़ाइन बना रही हूँ, बट मैंने इसमें जो डिज़ाइन सोचा था मैं वो नहीं बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इन्हें अलग अलग पिरोया है। तो देखिए ये हमारे इक्वल हो गए हैं, दोनों को ऊपर नीचे से बांध दिया है, पर मैंने बहुत लूज़ बांधा है इसको, याद रखिएगा लूज़ बांधना है इसे, काफ़ी सारा गैप छोड़ें। और एक पेपर का टुकड़ा लिया है, आप चाहें तो पेपर की जगह कपड़े का टुकड़ा भी ले सकते हैं, बुकरम का पीस भी ले सकते हैं। तो देखिए इसे नीचे इस तरह से पेस्ट करना है आपने। फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप नॉर्मल ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर फ्लावर है तो पेपर फ्लावर आपका सिंपल ग्लू से भी पेस्ट हो जाएगा। इसके नीचे जो वायर थी वो मैंने कट कर दी और नीचे मैंने ये 3 फ्लावर लगाए हैं। थोड़ी देर ड्राई होने दें इसे, और याद रखें आप इसमें 1 फ्लावर का यूज़ भी कर सकते हैं, 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 3 का किया है। देखिए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें स्पेस, तो जो पर्पस था हमारा स्पेस छोड़ने का वो यही था कि हमने यहाँ पर नीचे पेपर का यूज़ करना है, ग्लू लगानी है और ऊपर इसके फ्लावर को पेस्ट करना है। तो बहुत ही प्यारी एक बहुत सुंदर सी हमारे कान्हा जी के लिए माला रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड भी सेम करना है, नीचे जितने मोती छोड़े हैं उतने ही ऊपर छोड़ें और सेंटर पकड़ते हुए ये सब पेस्ट कर दें। आपने देखा बहुत जल्दी ये माला बनके रेडी हो गई है, देखिए लग रही है बहुत प्यारी। और अब हम बनाते हैं कंगन। कंगन के लिए मैंने ये वायर ली है जो हम ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ करते हैं, तो जिसके पास ये वायर ना हो वो धागे का यूज़ भी कर सकते हैं, ये पतली कोई भी वायर आप ले सकते हैं। और ये देखिए आप इलास्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं, जो पतली इलास्टिक आती है जो मास्क मेकिंग में यूज़ करते हैं आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ये आइडिया बताऊंगी कि वायर पे कंगन कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको सीधा फ्लावर से बनाऊंगी जिसमें हम वायर का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ 5 मोती पिरोने हैं और 5 मोती पिरोने के बाद इसे बंद करना है। देखिए इसे सील करेंगे हम, कोई ग्लू का यूज़ नहीं करना है इसमें, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। 5 मोती पिरोने हैं, साइज़ देखना है हाथ का, इतना साइज़ मेरे कान्हा जी को बिल्कुल फिट आता है, 3 नंबर के कान्हा जी हैं। और इसे आप बड़ा छोटा आराम से कर सकते हैं, मोती बढ़ा दीजिए बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से वायर को पूरा अच्छे से कस दीजिए। और ये जो फ्लावर होते हैं ये वायर के साथ आते हैं हमारे पास, इस तरह की वायर के साथ, और ये वायर भी काफ़ी मज़बूत होती है, तो हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल ग्लू का यूज़ नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको बिना वायर के भी बनाना बताती हूँ। ये कंगन बन के रेडी हो गया है, इसे साइड पर रख लेते हैं। और ये देखिए ये जो वायर है फ्लावर के साथ आई है, हम उस पर डायरेक्ट मोती पिरो देते हैं। ये हमने 5 मोती पिरो दिए हैं और इसके साथ ही हम इसे यहाँ पर से टाई कर देंगे। और ये बहुत ही प्यारा कंगन हमारा बिना किसी वायर के बन के रेडी हो जाएगा। जो फ्लावर के साथ वायर है हमने वही यूज़ की है। तो ये दोनों आइडियाज़ हैं, आप किसी भी आइडिया से बना सकते हैं। तो चलिए अब टियारा बनाते हैं कान्हा जी के लिए। उसके लिए मुझे वायर चाहिए होगी, इसमें भी आप फ्लावर की वायर का यूज़ कर सकते हैं। आप हेड का नाप ले लीजिए, जितना आपका डायमीटर आता है उससे डबल आप ये वायर ले लीजिए और उसे फोल्ड कर लीजिए, डबल कर रहे हैं ताकि वो मज़बूत बनी रहे। और फिर मैं यहाँ पर मोती पिरोऊंगी और फ्लावर लगाऊंगी, फिर मोती पिरोऊंगी, फिर फ्लावर लगाऊंगी और फिर मोती पिरोऊंगी, तो आसपास मोती हो जाएंगे। देखिए मोती पिरोए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर वायर की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर आपको ग्लू का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है,
देखिए इस तरह से, और अगेन इसमें मोती पिरोए जाएंगे। मैं दो मोती सेंटर में रख रही हूँ और आसपास मैं मोती बढ़ा दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं फ्लावर का यूज़ करूँगी। देखिए इस तरह से फिर फ्लावर अटैच करना है और फिर हम इसे गोल करके बांधेंगे। यहाँ पर अच्छे से मोती लगा लीजिए। यहाँ पर मैं ज़्यादा मोती लगा रही हूँ क्योंकि जो साइज़ है वो हेड का बड़ा है। तो इस तरह से आप ज्वेलरी जो है कान्हा जी की घर पे रेडी कर सकते हैं बिना कोई झंझट के, बिना ज़्यादा चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और बिल्कुल कॉस्टली नहीं पड़ती हैं और बहुत ही प्यारी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाती है ज्वेलरी जो होती है। देखिए दोनों तरफ मैंने 4-4 मोती डाले हैं और अब लास्ट में मैं इस पर नॉट लगा देती हूँ। यहाँ पर यह टाई हो जाएगा आपस में, वायर ही है। और इस तरह से ये हमारा टियारा भी बन के रेडी हो गया है कान्हा जी के लिए। देखिए अब बांसुरी बना लेते हैं। बांसुरी के लिए मैंने बैम्बू स्टिक ली है, आप चाहे तो न्यूज़पेपर का रोल भी ले सकते हैं। और बहुत प्यारी सी मैंने एक लेस ली है गोल्डन कलर में, फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है दोनों तरफ। और इस तरह से हमने लेस लगानी है। जब भी कोई फेस्टिवल आ रहा हो तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये सब प्रिपरेशंस कर सकते हैं, अपने मंदिर को, अपने भगवान जी को, जो भी अपने मंदिर में हैं उनको सजाने के लिए। और बहुत इजीली ये सब चीज़ें बन जाती हैं घर पर। तो अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप घर पर ट्राई कर सकें। देखिए ये हमारी बांसुरी भी बन के रेडी है। इस तरह से हमने बनाई माला, कंगन और टियारा बांसुरी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।